राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जयंती के अवसर पर मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने आयुक्त कार्यालय पर ध्वजारोहण किया। उसके बाद मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी सहित अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों ने आयुक्त सभागार में दोनों महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दौरान कमिश्नरी कार्यालय में कार्यरत एक कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद स्मृति चिन्ह देकर विदाई दी गई, जिसके संबंध में अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी ने बताया कि महात्मा गांधी से प्रेरणा लेकर बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी ने कहा, जब हुआ 2 अक्टूबर 1800 पर महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ। भारत के इतिहास में सदैव अवस्मरणीय रहेगा। तो यहाँ पे उन्होंने जो देखा अभी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। का जो समय है सब उद्विग्न है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। दुश्मन तेरी महल बाहु जो बाबो जो एक प्यार की दास्ता हो। देखो बुरा मत कहो, न कोई दागी न कोई तोप न बंदूक चलाई। चाहे इविल लेबर लेकिन पसंद करूं, मैं अपने घर में किसी लेबर से काम कराता हूं तो यहां 2-3 घंटे से ज्यादा कोई काम करता हूं मिलता नहीं है। वो क्षमता भी मुझे पता नहीं, एक ट्रेडिशनल हो गई है यहाँ पर। जबकि कोई भी आदमी अगर सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक काम करे, तो मैं कई विभागों में छोड़कर आया तो हमसे ठीक मेरा अनुभव रहा कि अगर कोई ईमानदारी से 10 से 5 भी अगर समय दे तो कोई सरकारी काम रुकता नहीं है। आपके लेवल पर कभी नहीं रुकता है। बहुत खुशी की बात है कि जो लोग मतलब आगे मिलते हैं, हम लोग विचार विमर्श करने के लिए बहुत बार प्रयास करते थे। आज से उसको 1.25 घंटे तक हम लोग लाए हैं। अच्छी बात है कि यहाँ पर मैंने पिछले बार भी कहा था, राष्ट्रीय पर्व ये सब ऐसा होता है वहाँ सोचने की मजबूर करने की समय है। हम हमारे दैनंदिन जीवन की चीज़ों में ही उलझे रहते हैं। वहाँ से बाहर निकल करके देश के बारे में, समाज के बारे में हम किस रास्ते में आए हुए थे, उस जब से स्वतंत्र हुआ है उस समय से लेकर आज तक किस रास्ते में हम लोगों को चलना है, आज उसी के क्रम में बहुत वक्ताओं ने आज यहाँ पे बात किया। हमारा एडिशनल कमिश्नर प्रतिभान जी ने कहा है और उसी को लेकर के सैनी साहब ने बहुत कुछ कहा है। मैं इसको एक चीज आगे बढ़ाते हुए मैं कहूँगा कि समय के साथ बैठने के साथ साथ सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण चीज है वो संवेदनशीलता। हम जो सामने आए हुए हैं उनकी इश्यू को समाधान करें,
वो मैं सोचता हूँ सबसे बड़ी चीज, जो गरीब आदमी दूर दूर से इतने प्रयास करके आए हुए हैं इस स्वतंत्र चीज के लिए, हाँ, जो महात्मा गांधी जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो मेहनत करके आज हम लोगों को दिलाया है, उसके तहत हम लोग जो आम आदमी की भावनाओं पे उतरे और उसको साकार करने के लिए प्रयास करें, ये सबसे बड़ी हम लोगों के लिए चुनौती लगेगा। कि वक्त ऐसे ही चल रही है, लोग आते हैं और समाप्त करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, विचार विमर्श करने के लिए, रखने के लिए। हम महात्मा गांधी जी को हम लोग उनकी पुस्तक को पढ़ेंगे तो बार 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 उनके बारे में सोच बदलते ही जाए। आज गांधी जयंती के अवसर पर हमारे गोरखपुर मंडल के सभागार में आज आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हुआ है और महात्मा गांधी के जो हम प्रेरणा से बहुत सारी चीज़ें पर विचार विमर्श हुआ है, बहुत सारे उनके बारे में, इतिहास के बारे में यहाँ हमारे स्टाफ ने बहुत सारे डिटेल्स में सारी चीज़ें बताई गई हैं, कुछ गीत वगैरह भी हुए हैं, एक बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है।